हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निमूसुलाइड के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। निमूसुलाइड जो कि पेन रिलीवर है, उसका हम डिटेल रिव्यू देख लेंगे। दोस्तों, मेरे हाथ में निसिप एमडी नामक निमूसुलाइड की डिजोल्विंग टैबलेट है, यानी कि माउथ डिजोल्विंग टैबलेट है। इसलिए यहाँ पर एमडी है जो डिलीशियस पाइनएप्पल फ्लेवर में अवेलेबल है। ये सिप्ला का प्रोडक्शन है। मैं हालांकि ये नहीं कहता कि सिर्फ यही ब्रांड के लिए ये साइड इफेक्ट है। निमूसुलाइड की जो भी टैबलेट्स है उसके लिए हम एक ब्रीफ रिव्यू लिख लें। निसिप एमडी जिसकी कॉस्ट है करीबन 55 रुपीज़, बढ़िया सा कॉम्पोजिशन है। अगर आप 12 साल के ऊपर के पेशेंट हैं तो 100% आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि यह ड्रग 12 साल की कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। 12 साल की कम उम्र में निमूसुलाइड की टैबलेट्स बैन है। हालांकि यह बच्चों में देने के बाद फेवर या पेन दूर हो जाता था, परंतु इसके कोई एडवर्स इफेक्ट होते ही लीवर के ऊपर, जिसके कारण लीवर फेल्योर हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बच्चों में नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी जान ले कि यह प्रेगनेंसी में भी सेफ नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करते समय माताओं से बच्चों तक ये टैबलेट जा सकती है। अगर इसके लीवर डैमेज के लिए साइड इफेक्ट जाने जाए तो 12 साल की कम उम्र में, यानी कि जिनका लीवर नाजुक होता है, उनके लिए ये इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। फेटल लीवर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो इस्तेमाल ना करें, 12 साल के कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल ना करें। रेड जो यहाँ पे लिखा है रेड में, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह 10 दिनों से ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें। अगर बड़ा भी, 12 साल के बड़ा भी कोई इस्तेमाल करता है तो 10 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मतलब रेगुलरली 10 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।